हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट एट फोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट एट फोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह हैं, तो फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट एट फोन में, और कैसे आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह को आप चेंज कैसे कर पाएंगे इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और आप कैसे फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को बदल सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फॉन्ट स्टाइल वगैरह को डाउनलोड करके कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे आप बदल सकते हैं फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे। और जैसे अगर आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह को डाउनलोड करके चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली एक्स थीम फॉन्ट सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से फॉन्ट स्टाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्कवरी फॉन्ट्स पे। और जब आप फॉन्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ से फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। जैसे फॉन्ट्स है डाउनलोड करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करना चाहें तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क है तो डाउनलोड कर पाएंगे और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करके भी फॉन्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं एंड आप चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। एंड आप सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ से थीम्स एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स आ जाती है, और माई फॉन्ट सेटिंग्स पे जाकर फॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी अप्लाई करते हैं तो फॉन्ट्स आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और फॉन्ट्स आपका बदल जाएगा। एंड आप डिफ्यूल्ट करना चाहें तो डिफ्यूल्ट भी कर सकते हैं और पहले जैसा फॉन्ट्स आपके फ़ोन में शो करेगा। तो इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल्स को बदल सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।